जैसे अगर आपका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, स्पेशली मैं बता रहा हूँ सीएमए इंटर स्टूडेंट्स को, तो 100 में से 90 बच्चा ऐसा मिलता है जो बोलता है सर अभी मैं ग्रुप वन दिया, अभी नहीं हुआ तो मैं वापस ग्रुप वन दूंगा, तो जितना दूर तक अभी ग्रुप टू पढ़ा आके बैच ट्रांसफर मांगेंगे, या वो आना बंद ही कर देंगे, बैच ट्रांसफर भी नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे अभी वापस ग्रुप वन पढ़ना होगा, दे स्टार्ट अगेन ऑल ओवर विथ ग्रुप वन। अभी क्या होता है, वो बच्चा जब वापस नेक्स्ट टर्म में ग्रुप वन देने जाता है तो सिंस ग्रुप वन को भी तो पढ़ने में भी इतना गैप हो गया, बीच में तो ग्रुप टू चल रहा था, क्लासेस तो ले लिया, अब वापस ग्रुप वन स्टार्ट कर रहे, कुछ याद नहीं आ रहा है, बट हाफ हार्टेडली पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, अब ग्रुप वन भी रिकॉल नहीं हो रहा ठीक से, लेकिन अब दिमाग में बैठा लिया कि ग्रुप टू तो जाना बंद कर दिया इसलिए ग्रुप वन ही देना है, तो ग्रुप वन के चक्कर में ग्रुप टू बंद हो गया, अब ग्रुप वन भी याद नहीं आ रहा है, ग्रुप वन जो देने जाएंगे उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस बार भी पास होंगे कि नहीं होंगे। अब फिर जब तक ग्रुप वन नहीं निकलेगा वो ग्रुप टू अटेम्प्ट दे ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सीएमए स्टूडेंट्स के साथ, वो सोचते हैं ग्रुप बाय ग्रुप ही पास किया जाता है, बट ऐसा थ्योरी से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अगर आप एक बार ग्रुप वन दिए ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगर वो स्टर्म ग्रुप वन नहीं हुआ तो नेक्स्ट टर्म हमेशा अब दोनों ग्रुप साथ में देने का होता है, क्योंकि ग्रुप वन तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो वीकनेस है उसको ही कवर करना है, बाकी को तो रिवाइज करना है, ग्रुप टू का ट्यूशन बंद नहीं करेंगे, ग्रुप टू चालू रहेगा, उसका ट्यूशन जितना दूर तक जाना है पूरा जाएगा, जैसे जाना है वैसे जाएगा। अब जो पढ़ाई शायद आप अगर मान लीजिए ग्रुप वन पास हो जाते ना, तो अभी ग्रुप टू के लिए आप पढ़ाई अभी चालू नहीं करते, आप चालू करेंगे और 2 महीना बाद जब एग्जाम आने लगेगा तब। अब उन बच्चों को जो ग्रुप वन नहीं निकाल पाए अपना पढ़ाई आज से चालू कर देना है। मैं टाइम लाइन से बताता हूं, जून 18 आपने ग्रुप वन दिया बट क्लियर नहीं हुआ ठीक, तो December 18 में क्या करेगा, ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू को टारगेट करेगा। अभी जो टाइम आ गया है वो आ गया August 18 ठीक। अगर आप ग्रुप वन पास हो जाते तो आप ग्रुप टू के लिए पढ़ाई कब से चालू करते पता है, अक्टूबर मिड से, ऐसे ही दिखता कि घर पे बैठ के अब थोड़ा जोर से पढ़ रहे हैं, लेकिन सिंस अभी आपका ग्रुप टू के साथ साथ ग्रुप वन भी बाकी है, पढ़ाई आज से चालू होगा, अगस्त से वापस पढ़ाई चालू हो जाएगा, और ग्रुप वन में पहले उसको पकड़ोगे जो सब्जेक्ट एकदम वीक है, या उसको पकड़ोगे जो चैप्टर्स एकदम किया हुआ ही नहीं है, या जैसे कि पास होने का एकदम सिंपल थ्योरी समझ लीजिए, Step 1 क्लास करना है, Step 2 क्लास का सारा सम्स आना चाहिए, Step 3 इंस्टीट्यूट मैट का एक एक सम सॉल्व होना चाहिए। अगर आप वन में ही फेल हो गए थे, क्लास ही पूरा नहीं किया, तो क्लास करिए, क्लास का सम्स करिए, इंस्टीट्यूट मैट करिए। अगर आप क्लास किए थे क्लास का सम सारा नहीं कर पाए थे तो आप सम्स करिए, इंस्टीट्यूट मैट करिए। अगर आप क्लास का ही सम्स करके एग्जाम देने चले गए तब इंस्टीट्यूट मैट करिए। जैसे मार्क्स आता है ना, मार्क्स भी उसी हिसाब से आता है, जनरली जो बच्चों का मार्क्स 30 से 50 के रेंज में है सब्जेक्ट में, आप जाके उसमें देख लीजिएगा आपने उसमें इंस्टीट्यूट मैट सॉल्व नहीं किया ठीक से। जिन बच्चों का मार्क्स 30 से 50 के बीच में, इंस्टीट्यूट मैट सॉल्व ठीक से नहीं किया, 50 पार कराना है इंस्टीट्यूट मैट सॉल्व करना ही होगा। जिन बच्चों का 70 प्लस मार्क्स आ रहा है उसको इंस्टीट्यूट मैट का सब सम याद है, प्लस उसने 1-2 पास पेपर भी सॉल्व कर लिया है, या फिर उसको पास पेपर दिया जाए तो सॉल्व कर देगा,
उसका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो उसी तरह का है, उसका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो उसी तरह का है। समझ में आ रहा आपको बात? तो आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप भटक जाओ और सिर्फ वापस दिसंबर 18 में ग्रुप टू पूरा बंद करके ग्रुप वन के पीछे लग जाओ। आप यही मैसेज अपने दोस्तों को भी दीजिए जिससे कि वो भी अच्छे से टर्म प्लान कर सके। अब ग्रुप वन में अगर कुछ एग्जेम्पशन आया तो एग्जेम्पशन अवेल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्रुप वन ग्रुप टू अब साथ में देने का कोशिश करिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं होता है, जो पास करते वो भी आप जैसे ही बच्चे, जो रैंक लाते वो भी आप जैसे ही बच्चे, बट कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे तो फिर आगे तो बड़ी जर्नी है फाइनल की, उसमें कैसे निखर के उतरोगे? डोंट अंडर एस्टिमेट योर कैपेसिटी, आप कर ही सकते हैं लेकिन आपको जाना होगा वैसे ही। सीए में भी दो तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे, एक जनरल आपको आइडिया देते हैं, एक हमेशा ग्रुप वन ही देते, पास हो जाते फिर ग्रुप टू देते, और दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते जो हमेशा दोनों ग्रुप ही देते। सबसे ज्यादा सक्सेस रेट उन्हीं बच्चों का होता है जो दोनों ग्रुप एक साथ देके पास हो जाता है। और जो बच्चा सीए में भी खाली ग्रुप वन देता है वो ग्रुप वन तो पास कर लेता है लेकिन ग्रुप टू के लिए वो 5 बार 6 बार 7 बार देते ही रह जाता है, क्योंकि ग्रुप वन पास होने के बाद आर्टिकलशिप चालू हो जाती है, उसके बाद ऑफिस जाने के बाद कॉलेज जाना है, तो वो ग्रुप टू को पढ़ाई करने का टाइम देने का टाइम ही नहीं मिलता, वो ग्रुप टू पे ग्रुप टू देता ही रहता है। और दोस्तों के चक्कर में जो दोस्त उसके ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों क्लियर कर रहे हैं वो फाइनल का ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो फाइनल का ट्यूशन में भी घुस जाता है ग्रुप टू पास के बिना, और फाइनल का ट्यूशन भी करना है, आर्टिकलशिप भी करना है, कॉलेज वॉलेज भी जाना है, और ग्रुप टू इंटर का ही बाकी। वो बच्चा बेचारा घूमता रह जाता है। इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे ऑप्शंस को अवेल ही करते रहे। रूल वही है ग्रुप वन ग्रुप टू साथ में देने का। जैसे ही इस सोच से पढ़ाई करते हैं तो अपने आप पढ़ाई होना शुरू हो जाता है। अरे जब बीकॉम कर रहे थे या 11-12 कर रहे थे तो कभी सोचा था इतना बड़ा पढ़ाई करेंगे? तो अब करने लगे तो शक्ति बढ़ गई, तो ग्रुप वन सोच के पढ़ेंगे तो ग्रुप वन की शक्ति आएगी, ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू सोच के पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ने की शक्ति आ जाएगी, बट वो सोच को बदलना होता है। वही बच्चे ज्यादा जल्दी सक्सेस रेट निकालते हैं जो दोनों ग्रुप साथ में देते हैं। अब किसी किसी के साथ वो हो जाता है कि ट्यूशन ही नहीं हुआ, लेट से जगा, समय नहीं मिला, प्लस से कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, कोई वर्क कर करके का एग्जाम दे रहा है, उसको ऑफिस जाना होता है, उनके लिए ठीक है ये मैकेनिज्म समझ में आता है। बट जो सारा दिन फ्री हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, कहीं ऑक्यूपाइड ही नहीं है, तो वो क्यों अपना समय को डिले कर रहे हैं जस्ट ये सुन सुन के कि मेरे से भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप में प्रेशर हो जाता है। अरे आप प्रेशर लेके तो दिखिए, और ऐसा नहीं कि प्रेशर लास्ट में लिया जाता है, भाई आज से तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए मैदान में, तैयारी आज से करिए, कौन कौन सा वीकनेस एरिया उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम करिए। ट्यूशन सारा लिया हुआ है, ग्रुप वन का वापस क्लास लेना नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं अमेंडमेंट करना होगा वो सब जुगाड़ कर लीजिए, हो सके तो सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ा हुआ ही है, अमेंडमेंट के लिए फिर क्लास लेने भागने का भी जरूरत नहीं होता, नोट्स ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा। और मेहनत करिए, पढ़ाई थोड़ा और लेट से शुरू करते अभी से शुरू करिए, काम बन जाएगा। छोटा छोटा गाइडेंस ही दोस्तों स्टूडेंट्स को दिए, यही छोटा सा गाइडेंस, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये आप बोले तो समझ में आया और किए तो पास हो ही गए। कई स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आया तो मैसेजेस आ रहा है, सर आप बोले थे तो ये किए थे, बाकी आप जो पढ़ाए वो सारा बात तो ठीक है लेकिन आपने एक चीज और बोला था कि दोनों ग्रुप साथ में दो, तो आज इतना हल्का लग रहा है और देखिए सेट ऑफ में निकल गया। कई लोग का सेट ऑफ में निकल भी गया, रैंक भी आ गया। तो आप कोशिश तो करिए कम से कम। अरे स्कूल का एग्जाम होता था तो एक साथ 10-12 सब्जेक्ट का एग्जाम दे के आते थे कि नहीं आते थे? और क्या उसमें छुट्टी दे दे के एग्जाम होता था? रोज ही तो एग्जाम चलता था, तो देते थे कि नहीं देते थे? यहां पे आप बोलते हैं सर 8 सब्जेक्ट है, रोज लगातार एग्जाम नहीं दिया जाता है,
क्या बोलते हैं, तो आपसे तो बहुत अच्छे वो छोटे बच्चे हैं जो रोज पढ़ पढ़ के एग्जाम देते गए, खुशी खुशी जाते हैं, झूमते झूमते जाते हैं, वो घर आके सोते भी है, खेलते भी है और फिर एग्जाम देने चल जाते हैं। और आप सारा दिन आके घर पे पढ़ते हो और फिर भी बोलते हो कि हमसे 8 पेपर नहीं दिया जाता है, तो फिर कैसे हम आपको वैल्यू करें, कैसे आपको माने कि आप 50,000 रुपये महीने के आदमी हैं, कि 8 दिन लगातार मेहनत नहीं कर सकता है, उसके लिए पहले से प्लानिंग नहीं कर सकता है। अरे ये सब एग्जाम बहुत आसान एग्जाम है, IAS का एग्जाम देने जाओगे UPSC का 12-12 पेपर देना पड़ता है, और वो भी रोज, और दिन में दो दो, दिन में दो दो, आपको तो दिन में एक ही पेपर देना है, तो क्या कोई IAS बन ही नहीं रहा क्या इंडिया में? कैसे बन रहा है? कोशिश कर रहा तब ना बन रहा है, अपने आपको वैसा ट्रेनिंग ले रहा है, अपने आपको उस फील्ड में ले जाके छोड़ रहा है, तब ना वहां बन पा रहा है। तो आप आए हो, बहुत मन से आए हो इस कोर्स में, थोड़ा और स्ट्रिक्ट अपने साथ होइए, अपने आप के साथ कैजुअल मत होइए, अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होइए कि नहीं मेरे को पढ़ना है, और पढ़ोगे तो अपने आप निकल जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को समझना।